a lot of students think कि मेरे graduation में marks नहीं थे ये मार्क्स कम थे ऐसा डर नहीं लग रहा था हाँ ऐसा मेरे को थोड़ा बहुत लगा था कि जैसे मेरी एवरेज एवरेज स्टूडेंट था मैं स्कूल टाइम पे भी और कॉलेज टाइम पे भी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा मेरे से और फिर सर से भी मिले तो सर ने भी बताया कि एवरेज स्टूडेंट से आगे जाके इसको तोड़ रहे एग्जाम को तो वो मेरे को बड़ी सही चीज लगी उससे मोटिवेशन भी काफी ज्यादा मिली और फिर सर के सर से बातचीत करके भी ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाएगा अगर मेहनत करेंगे डिसिप्लिन के साथ तो डूएबल है कितने टोटल रिवीजंस किए थे और टोटल कितने नंबर ऑफ आर्ट्स दिए होंगे आपने 5 टू 6 हो गई थी मेरी रिवीजंस अच्छा हां पेपर से एक दिन पहले और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स पढ़े तो मैं डे 1 से ही पढ़ रहा था नॉर्मली 8 आवर्स लगा के चले 1000 आवर्स बोल सकते हैं हम एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हम अपने रिसेंटली क्वालिफाइड लेवल 1 स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं इंटरेक्शन बहुत सिंपल है जब ये एज अ स्टूडेंट ये वाले क्वालिफाइड स्टूडेंट्स As a prospective CFA student, YouTube पर सर्च कर रहे थे कि क्या CFA उनके लिए एक सही कोर्स है All they were looking for was an honest video, an honest interaction. They were looking for correct information, एक ऐसा सोर्स एक ऑथेंटिक सोर्स जहां से इन्हें यह पता चले कि इस कोर्स में है क्या कौन कर सकता है क्या मेरा क्वालिफाई होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टूडे वी विल ट्राई टू क्रिएट सच अ वीडियो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ कंटेंट क्रिएट करें और वंस वी पब्लिश दैट ऑन यूट्यूब पीपल कैन कम ओवर वो स्टूडेंट जो सीएफए करने की सोच रहे हैं इन वीडियोस को देख के आइडेंटिफाई कर सके कि क्या चैलेंजेस हैं इसमें क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं एग्जाम क्लियर होगा तो क्या करियर बनेगा एग्जाम क्लियर होगा भी या नहीं होगा हम ये कोर्स करें भी या नहीं करें ऐसे सवालों के जवाब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होने वाला है इस वीडियो को बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं केशव वर्मा He has recently qualified the CFA level 1 examinations. He was kind enough ki meri request pe he came over and did this shoot with us. Bahut sharir se candidates hote hain mere padhaku aur disciplined aur kitabon ke beech mein rehne wale. Hamare editor sahab inko pareshan kar rahe hain lights camera action ke beech mile hain but Keshav has been kind enough to help us with everything. The format of this discussion will be very simple. It will be a quick one. Chota sa ek discussion karenge. We'll hit upon the right areas hum pure ke pure discussion ko 3 se 4 segment mein divide kar le rahe hain first segment mein we'll want to know the background jisse keshav aate hain family background his own background segment 2 will be about finance ke career ki kaise sochi what were the alternate things that he was thinking of why he chose cfa why how he came to us and stuff like that third phase the most critical one for preparing students to preparation ke bare mein baat kar lenge and the last phase would be About the plans post CFA level में ठीक है ना तो first phase से start करते हैं I'll hand it over to Keshav now तो hello friends मेरा नाम Keshav वर्मा है और मैं Delhi से ही belong करता हूँ और मेरी schooling वगैरह भी Delhi से हुई है commerce से मेरा background था और मेरा जो background था basically वो sports में था तो मैंने 10th 12th वगैरह में मतलब अपना पढ़ाई भी करी और sports भी खेला अच्छा और उसके बाद कॉलेज में मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है मैंने अपनी ओपन से करी उसके साथ मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने में लग गया था लेकिन फॉर सम रीजंस मैं उसमें नहीं आगे प्रोग्रेस कर पाया तो फिर आगे मैंने ये ढूंढना शुरू करा कि क्या किया जाए तो उसमें मैंने जैसे MBA शॉर्टलिस्ट करा था और फिर दोस्त वगैरह से भी पता चला कि CFA भी कोर्स है और मेरे को फिर एक दोस्त था वो बहुत स्ट्रीट से ही पढ़ा हुआ था पहले भी उसके लेवल क्लियर हुए थे दो तो उसने भी मेरे को गाइड किया कि CFA सही रहेगा थोड़ा फिर मैंने और रिसर्च वगैरह करी और यूट्यूब वगैरह पे भी देखा तो फिर ज्यादा मेरे को जो जिससे सेटिस्फेक्शन मिल रही थी वो CFA देख के मिल रही थी वुड यू फील कंफर्टेबल टेलिंग अस योर मार्क्स इन क्लास 10th 12th में क्या मार्क्स थे अंडर ग्रेजुएशन में क्या थे बताओ 10th में क्या था 10th में मेरी 7.6 समथिंग CGPA थी और 12th में मेरे 82.25% थी अंडर ग्रेजुएशन में मेरी समथिंग अराउंड 60% के आसपास की 60% थे सीए हां सॉरी अंडर ग्रेजुएशन में ओके कंप्लीट हो चुकी है वो कंप्लीट हो चुकी है 2022 में मेरी अंडर ग्रेजुएशन हो गई थी और उसके बाद मैं उस टाइम भी क्रिकेट ही कर रहा था फिर उसके बाद 23 में जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं सीएफए करूंगा
एक और सवाल है मेरा, क्रिकेट में क्या करते थे मतलब व्हिच व्हाट वाज योर प्रोफेशन? क्रिकेट में मैं फास्ट बॉलर था। अच्छा हाँ जी, तो इंडिया लॉस्ट बुमराह एंड गॉट अ सीएफए ऐसा? नहीं सर इतना भी नहीं। ओके ओके, तो इंजरी वगैरह हो गई थी किसमें से? हाँ जी इंजरी वगैरह थोड़ी हो गई थी, लोड वगैरह इतना मैनेज नहीं हो पा रहा था बॉडी से। ओके, तो बॉडी पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा था तो, और इसलिए शिफ्ट करना पड़ा करियर अपना पढ़ाई की तरफ। और फिर मैंने रिसर्च वगैरह किया तो सीएफए मेरे को थोड़ा अच्छा लगा देखने में, और थोड़ी एज कंपैरिजन टू अगर मैं सीए बोलूं तो उसमें टाइम भी थोड़ा कम लग रहा था और थोड़ी सही चीज लगी, तो इसलिए मैं सीएफए में आया। फिर मैंने रिसर्च करना वगैरह शुरू करी कि कहाँ से करूँ मैं, कोचिंग कहाँ से लूँ, ये सब चीजें। तो फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनके बारे में मैंने शॉर्टलिस्ट किया, तो बाद में वॉल स्ट्रीट एक नाम निकल के आया जो मेरे दोस्त ने भी मेरे को बताया जिसके बारे में रेफर किया। और उसके बाद और एक चीज उनके बारे में मेरे को ये सही लगी कि उन्होंने ना दोबारा कॉल बैक नहीं किया, जैसे मैंने एक बार उनको कॉन्टैक्ट किया तो बाकी सारे इंस्टीट्यूट ने मेरे को वो किया रिप्लाई किया कि और भी आपका क्या डिसीजन है, आप कब से ज्वाइन कर रहे हो, ये सब चीजें, आपके मार्क्स कितने हैं, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे आपके मार्क्स के बेसिस पे, अगर ग्रेजुएशन मार्क के मार्क्स ज्यादा हैं तो ये सब। लेकिन ऐसा कुछ वॉस्टी की तरफ से नहीं था। ओके, ये चीज एक बहुत अच्छी लगी मेरे को कि ये लोग ऐसे नहीं देख रहे हैं कि बच्चे के मार्क्स कितने थे पहले, वो कैसा था क्या नहीं, ये लोग बस बच्चे के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि कितना चाह रहा है बच्चा उस चीज को करने के, कितना चाह रहा है। तो वो चीज मेरे को सही लगी, और बाकी दोस्त ने भी दिया रेफरेंस दिया था तो इन सब चीजों को मिला जुला के सही लगा मेरे को, तो फिर मैंने वॉल स्ट्रीट ज्वाइन किया। जब सीएफए को जीरो इन कर रहे थे तब ये नहीं लगा कि कोर्स लोग कहते हैं मुश्किल होगा या कोर्स महंगा है? जैसे a lot of students think कि मेरे ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं थे या मार्क्स कम थे, हाँ। तो ऐसा डर नहीं लग रहा था? हाँ ऐसा मेरे को थोड़ा बहुत लगा था कि जैसे मेरी एवरेज स्टूडेंट था ना स्कूल टाइम पे भी और कॉलेज टाइम पे भी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा मेरे से। तो फिर मैंने सर की भी वीडियोस एक दो यूट्यूब पे देखी थी, बाकी फिर मैंने मतलब इतना सोचा नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी थी तो मैंने ज्वाइन करा। और फिर सर से भी मिले तो सर ने भी बताया कि एवरेज स्टूडेंट्स आगे जाके इसको तोड़ रहे हैं एग्जाम को, तो वो मेरे को बड़ी सही चीज लगी, उससे मोटिवेशन भी काफी ज्यादा मिली। और फिर सर से बातचीत करके भी ऐसा लगा कि ऐसा नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, अगर मेहनत करेंगे डिसिप्लिन के साथ तो डूएबल है। और फिर वही मैं लगा रहा फिर डेली फ्रॉम द डे वन में पढ़ता रहा, और उसके बाद लेवल वन की मैं एक मिनट लूंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही सेज एन एवरेज स्टूडेंट और व्हेन आई से कि ऐसे डर नहीं लग रहा था, तो मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और उनको डर रहता है कि यार मेरे 10th में मार्क्स नहीं थे, 12th में मार्क्स नहीं थे, या अंडर ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं थे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं सर मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा। आई ऑलवेज से वन थिंग, ये वर्ड एवरेज ना एक्चुअली बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, ठीक है? बिकॉज ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका पास्ट है, ठीक है? अगर किसी बच्चे के 10th में 12th में अंडर ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं आए तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय उसकी मेहनत भी उतनी हुई होगी जितने उसके मार्क्स आए। तो अगर किसी की मेहनत कम थी तो मार्क्स कम आए, किसी ने मेहनत ज्यादा की तो ज्यादा आए। बट दैट डज नॉट मीन कि एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स पहले कम आए थे उसकी इंटेलिजेंस में कमी है। दैट स्टूडेंट विल वेरी वेल क्रैक दिस एग्जाम वाइड ओपन, एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरे क्लास 10th 12th में जिन स्टूडेंट्स के 60-65% आए अंडर ग्रेजुएशन में, मतलब कॉलेज नहीं मिल रहे थे, कोर्स नहीं मिल रहे थे, एंड वैसी वाली प्रॉब्लम्स हुई। और बाद में जब आगे सीएफए दिया तो तीनों लेवल्स वन शॉट में क्लियर कर लिए और आज की डेट में माशाल्लाह वैल्यूएशंस में फ्रंट एंड जॉब कर रहे हैं। ऐसे हैं स्टूडेंट्स, बट दैट थिंग इज देयर बिकॉज दीज स्टूडेंट्स वर कमिटेड टू मेक श्योर कि उन्होंने जो पहले चीजें अच्छे से नहीं की थी अब वो अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल, तो पास्ट में अगर उनके मार्क्स नहीं आए थे तो गलती से नहीं आए थे। अगर कोई स्टूडेंट ये आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ यार मैंने अंडर ग्रेजुएशन में या 12th में वो मेहनत ही नहीं की और अब मैं आग लगा के मेहनत करूंगा तो उसका एग्जाम क्लियर होगा, तय बात है। साइमल्टेनियसली अगर कोई बहुत होशियार स्टूडेंट है 10 12th में 95-98 अंडर ग्रेजुएशन रैंक वन इन यूनिवर्सिटी, यहाँ आके बोले अरे हम तो बस अपना सीवी इतना स्ट्रॉन्ग लेके आए काहे कि सीएफए की पढ़ाई देखी जाएगी, हो ही जाता है एग्जाम क्लियर, नहीं होगा क्लियर। It won't happen. I've seen candidates who are chartered accountants, who are top level, top shot college MBAs, who have flunked level 1 itself. Not because they were not intelligent enough, but because they were not disciplined enough. Exam discipline का है। आप disciplined नहीं होंगे, आप exam के मजे लोगे, आप पढ़ाई के मजे लोगे, पढ़ाई आपके मजे लेगी। वो बहुत simple सी story है। So I'm happy that you touched that point.
एक और चीज, मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूंगा, क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, वर दे ओके विद शेलिंग आउट सो मच मनी फॉर दिस एग्जाम एंड स्टफ, ये चैलेंज था या नहीं, मैनेज हो गया था आराम से? मैनेज हो गया था, क्योंकि मेरा पेरेंट्स करते क्या, एक बार बैकग्राउंड बताओ। मेरे जो फादर है वो अकाउंटेंट है, मम्मी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है। ओके। और रिसेंटली 2 साल पहले फिर मेरा भाई भी जॉब में आ गया था, तो उसकी वजह से फाइनेंशियली इतनी कोई दिक्कत हुई नहीं। ओके। तो इसलिए एग्जाम भरना वो था, अफोर्डेबल था। ओके। और वो ऐसे बोल रहे थे कि इतना महंगा एग्जाम है मत भर या कुछ ऐसे? थोड़ा महंगा एग्जाम था तो शुरुआत में बात हुई थी कि थोड़ा टाइम ले ले ज्यादा, अटेम्प्ट अपना अगस्त का नहीं करके नवंबर का कर ले। लेकिन फिर सर भाई जैसे मैं क्लास आता था डेली डेली तो सर से बातचीत होती थी, तो सर कह रहे थे इतना टाइम इनफ है अगस्त के लिए, ज्यादा खींचना भी नहीं चाहिए। तो वो फिर सारी बातों को नजर में रखते हुए फिर मैंने अगस्त अटेम्प्ट के लिए जो है अप्लाई किया। एक और मैं छोटा सा एस्पेक्ट यहाँ पे टच करना चाहूंगा, फॉर अ रेगुलर इंडियन फैमिली सीएफए एग्जाम्स की कॉस्ट थोड़ी सी स्टीप है। ठीक है, बट अगर मैं इसे कंपेयर करूं जो दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है फाइनेंस में करियर बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद कोई कंपैरिजन ही नहीं रह जाता। बिकॉज अगर मैं किसी टीयर 2 टीयर 3 एमबीए कॉलेज की फीस देखूं जो 10-20 लाख रुपए बैठ रही होती है, और उसके बाद उनकी जब प्लेसमेंट्स देखता हूँ तो उसका ट्रुथ बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं कि वो फाइनेंस के नाम पे वो सेल्स की जॉब और फाइनेंस सेल्स की जॉब दिलवा देते हैं, या वहां पे जो लर्निंग होती है जब मैं वो देखता हूँ तो मुझे लगता है देख के कि अगर एक 15-20 लाख रुपए की टीयर 2 टीयर 3 एमबीए जहां से कोई एक ढंग का प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, हाँ, उसको कंपेयर करो सीएफए से जहां पे लर्निंग ह्यूमंगस है, तो प्लेसमेंट और जॉब्स वगैरह विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। जब मैं उससे कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है एक्चुअली 1/4 कॉस्ट है उन एमबीए से, तो लाख गुना बेटर कोर्स है। तो प्रोबेबली थोड़ा सा ना पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है, मतलब इफ यू लुक एट द फैक्ट कि ये कोर्स थोड़ा सा स्टीप कॉस्ट है, अगर इंडिविजुअली देखोगे तो शायद लग सकता है, बट इफ यू लुक एट द कंप्लीट ओवरव्यू कि अगर फाइनेंस में करियर बनाना है और इसके सिवा अगर एमबीए फाइनेंस की सोच रहे तो शायद हैंड्स डाउन ये निकल के आता है कि यार कोर्स में पैसे भी बहुत कम लग रहे हैं और लर्निंग शायद 10 गुना है, तो दिस इज डेफिनेटली अ मच बेटर वन, दैट इज माय सेंस। और एग्जाम जब भर दिया उसके बाद ऐसा उनको डर था कि बेटा तू क्वालिफाई कर ही जाइयो? मतलब ऐसे कोई घर वालों ने प्रेशर नहीं बनाया मेरे ऊपर, वो घर वाले भी देख रहे थे कि डेली बच्चा पढ़ ही रहा है जी, तो उनको भी थोड़ा था कि हाँ भाई हो जाना चाहिए जी, तो उस हिसाब से हो जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से इनके पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत लायक बच्चा है आपका, he is a textbook boy, मतलब जैसा लिखा रहता है ना एक आदर्श पुत्र एक आदर्श विद्यार्थी, वैसा वाला बच्चा है आपका। तो आई एम जेन्युइनली थैंकफुल कि आपने इतना सपोर्ट किया, अदरवाइज स्टूडेंट्स के पास सबसे बड़ी चीज उनके पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट ही है, तो एक सपोर्टिव फैमिली मींस द वर्ल्ड, इसके सिवा कुछ और रिक्वायर्ड भी नहीं होता है लाइफ, बाकी सारे बैटल्स तो जीत ही जाते हो। ठीक है, आई थिंक दिस वॉज अ गुड डिस्कशन, हमने शुरू के 2 सेगमेंट्स कवर कर लिए, अबाउट योर बैकग्राउंड एंड अबाउट फाइनेंस करियर, सीएफए क्यों, TWSSP एंड स्टफ लाइक दैट। थर्ड एस्पेक्ट पे चलते हैं, प्रिपरेशन में थोड़ा सा इनडेप्थ बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर लेवल 1 प्रिपरेशन। हार्डेस्ट पार्ट की बात करें तो पहले तो मेरा बैकग्राउंड था जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, तो मेरे को शुरुआत में काफी दिक्कत हुई थी। शुरुआत में मेरे को अकाउंटेंसी के जो नॉर्मल टर्म्स थे वो मैं भूल चुका था। okay. तो क्लास में मैं बैठा था तो मेरे को उसमें भी दिक्कत हो रही थी। okay. नॉर्मल अगर सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी चीजें रिलेट नहीं कर पा रहा था मैं। okay. लेकिन मेरे को फिर पता ही था बैकग्राउंड कॉमर्स का था, उस पर मैंने हार्डवर्क किया, जाके घर पे भी वीडियोज देखी सर की दोबारा दोबारा जो क्लास में हो रही थी। okay. फिर उससे धीरे धीरे करके चीजें सॉर्ट आउट होती चली गई धीरे धीरे। और उसके बाद और चीज की बात करें, हाँ मतलब जितना ज्यादा आप टाइम देंगे चीजों को, अगर एक नहीं 2 बार 3 बार करेंगे तो वो इजी होती चली जाएंगी चीजें, तो वही चीज करी मैंने। तो फिर धीरे धीरे मेरे को सारी चीजें याद आती गई, अकाउंटेंसी रिलेटेड या फिर और भी कोई इकोनॉमिक सब्जेक्ट ले लो आप चीजें, तो आसान होती चली गई। इन सब चीज में ये था कि मैंने टाइम ज्यादा दिया, उसको दोबारा तिबारा किया, तब जाके वो चीजें आसान हो गई। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने टोटल रिविजन्स किए थे और टोटल कितने नंबर ऑफ आर्ट्स दिए होंगे आपने प्रिपरेशन पे? टोटल रिविजन्स की बात करें तो 5 अराउंड 5 to 6 हो गई थी मेरी रिविजन्स। अच्छा। हाँ, पेपर से एक दिन पहले। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स पढ़े तो मैं डे 1 से ही पढ़ रहा था नॉर्मली 8 आवर्स लगा के चले, तो 1000 आवर्स बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, 9 महीने में कुछ 1000 आवर्स पढ़े होंगे मैंने,
इंक्लूडिंग क्लासेस? नहीं, इंक्लूडिंग क्लासेस नहीं, क्लासेस को हटा के ओके बात करूंगा। सैटरडे संडे की क्लासेस होती थी वो हटा के अपने आप से मंडे टू फ्राइडे में जितना पढ़ता था ना उसको मिला के 1000 से ऊपर मैंने पढ़े होंगे। और हाँ ये सब चीज इतनी इतनी प्यारी बात लगी मुझे। मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं कि कितने घंटे लगेंगे प्रिपरेशन के लिए, मैं कहता हूँ 600-800 आवर्स लगने चाहिए। 600 मान लीजिए, क्लासेस के भी 100-150 घंटे मान लीजिए तो 700 घंटे में हो जाएगा। कैंडिडेट्स सुन के घबरा जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप बीकॉम से कंपेयर कर रहे हो उस एग्जाम को तो गलत कंपेयर कर रहे हो, बिकॉज एक बार बीकॉम का करियर देख लो क्या होता है। कुछ नहीं, नो ऑफेंस टू बीकॉम ऑनर्स फोक्स, राइट? मैं खुद बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, बट क्लास में भी इतनी बार बात कर चुका हूँ अंडर ग्रेजुएशन की कि लोगों को लगता है सर अंडर ग्रेजुएशन के लिए कह देते हैं ऐसा, बट जो कह रहा है वो सही है, मतलब बिल्कुल सही। कितने लोग हैं जो एक बहुत अच्छे करियर में बैठे हैं जस्ट आफ्टर दे बीकॉम ऑनर्स? आई थिंक यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स। बहुत अच्छे कॉलेज से होंगे, उस कॉलेज के भी बेस्ट प्लेसमेंट्स होंगे, तो शायद ऐसे गिनती चुनती के लोग होंगे, और वो लोग भी 2-3 साल के बाद कोई बहुत बड़ी एमबीए या कोई मास्टर्स करने के लिए चले जाते हैं, तो नो वन इज रिलाइंग ऑन अंडर ग्रेजुएशन श्योरली। बट अगर आप इस कोर्स की डिफिकल्टी लेवल को अंडर ग्रेजुएशन से कंपेयर कर रहे हो तो मेरे ख्याल से विद नो ऑफेंस टू अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, इट्स एन इंसल्ट टू अ प्रोफेशनल कोर्स सिंपली। वैसे शायद उतना मुश्किल नहीं है अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मोर सो एक मतलब एक बार सोच के देखिए, कैंडिडेट वर्ड स्कोर 60% इन क्लास इन हिज अंडर ग्रेजुएशन वाज मेनली समवन वाज फोकसिंग ऑन हिज स्पोर्ट्स करियर। वैसे बैकग्राउंड से आना और to make it and to clear level 1 in the first attempt in not a lot of time, matlab November 8-9 months mein exam clear karna is kudos, but ye result hai final jo ek din ka dikh raha hai ki ha exam clear ho gaya. Jo nahi dikh raha hai wo ye hai ki piche candidate admit kar rahe hai ki 800,000 ghante self study mein laga diye, wo choti baat thodi na, mehnat hai to dikhti hai wo ek din ke result mein. Great, brilliant. Ek last question, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट और कैसे काउंटर कैसे किया, एक ये बता दो, और साथ साथ में बुक्स कौन सी पढ़ते थे या मॉक एग्जाम्स कितने दिए, वैसे वाली 2-3 चीजें बता दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सबसे पहले मैं जो सभी क्लास अटेंड करी मैंने वीकेंड पे, उसके बाद घर पे आके अपना पढ़ा। ऐसा नहीं होता था कि सर की क्लास अटेंड करी और वो कंसेप्ट उसी टाइम पकड़ आ गया, ऐसा बहुत कम होता था। तो दोबारा आके मैंने वीडियो भी देखी है घर पे आके, वही सेम वीडियोस, और फिर उसके बाद अपनी श्वाइजर से पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर सी बुक के एंड ऑफ करिकुलम जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करे, और चैप्टर के बीच में भी क्वेश्चन होते हैं सी बुक के वो भी सॉल्व करे। उसमें अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर मैंने उसी के ऊपर कंसेप्ट, ऐसा सर ने बताया था कि उसी के ऊपर कंसेप्ट वगैरह भी लिखे होते हैं, और वैसे सॉल्व एग्जाम्पल भी होते हैं जहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो वो सब भी करने के बाद फिर चीजें क्लियर होती थी ये इतना सब कुछ करने के बाद, फिर और यही मेरा पैटर्न रहता था हर सब्जेक्ट का, ठीक है? और हाँ ये ऐसे ही रहता था, सर्च फाइजर, फिर उसके बाद सी बुक, फिर अगर नहीं समझ आया कोई कंसेप्ट दोबारा तो फिर वीडियोज देखे दोबारा, और ये सब चीजें। ब्रिलियंट। और ये सब के बाद मॉक एग्जाम्स वगैरह या कुछ प्रीमियम क्वेश्चंस? प्रीमियम क्वेश्चंस करे थे हर सब्जेक्ट के मैंने, जैसे हर एक लास्ट 1.5 महीना जब बना था पेपर में तो मैं ऐसा करता था कि जैसे एक सब्जेक्ट की रिवीजन करी पूरी, उसके प्रीमियम क्वेश्चंस उठाए सारे, जैसे एफएसए के 150 क्वेश्चंस था वो सारे करे, उसमें से अपनी सारी मिस्टेक्स निकाली, फिर उन पे काम किया, फिर ऐसे ही सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। हां ब्रिलियंट। एंड मॉक्स कितने दिए थे? मॉक्स मैंने टोटल 4 दिए थे। ओके, सारे सीएफ इंस्टीट्यूट वाले या कोई थर्ड पार्टी टेलीग्राम का कुछ? मैंने आज तक कोई टेलीग्राम वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया कभी, मतलब इनफ है अगर आप सर से पढ़ रहे हो और जो सी बुक वगैरह है इनफ है, अगर ये सब आप ढंग से कर रहे हो तो इसके बाद कोई नीड नहीं बढ़ती है। मैं एक मिनट लूंगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज मार्क कर लेंगे। अगर आप नोटिस करो, हम बहुत सारे इंटरेक्शन वीडियोज डाल चुके हैं यूट्यूब पर, अगर आप नोटिस करेंगे ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स विल टेल यू वेरी सिमिलर थिंग्स, नॉट बिकॉज कुछ बैकग्राउंड पे इनको फीड किया जा रहा है कि ये जाके बोलना है, इट इज बिकॉज सक्सेस एज अ पैटर्न है ना, सक्सेस रैंडमली नहीं मिलती है। हर कैंडिडेट आके बोलेगा 700-800 घंटे पढ़ाई की, 4-5 रिविजन किए, प्रीमियम ऑफ्स अच्छे से किए, कोई थर्ड पार्टी सोर्सेज पे रिलाय नहीं किया, एथिक्स सी बुक से किया, सेल्फ स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस किया, सोशल मीडिया छोड़ना पड़ा, दूसरी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ी, ये सब कॉमन पॉइंटर्स है, हर बंदा बोल रहा है। करण सर उनके मुंह में बात नहीं घुसा रहे कि जाओ जाके बोल दो। I would literally stop doing any YouTube if I have to literally orchestrate कि क्या बोलो वहां जाके, मतलब इससे बुरी चीज, इससे फालतू चीज जीवन में नहीं करूंगा मैं। तो
अगर ऐसे YouTube की वीडियो बनानी हुई तो नहीं बनाएंगे यार, बेहतर है नहीं बनाए, गलत कंटेंट नहीं लेके आएंगे आप लोगों के बीच में. All I'm trying to say is that there's a pattern in what everyone is saying because there's a pattern in their success. If you follow all these steps, it's not difficult to be successful. In fact, the plan for success is very much on the table. आपको अभी तक के समझ आ जाना चाहिए कि आपको लेवल वन में 90% टाइम, आपको लेवल वन फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करना है. All these pointers that these candidates have shared are very similar. ये सिंपल टेम्पलेट ले लें और इसे मतलब बी क्लोन इट, जस्ट कॉपी इट शेमलेसली एज इट इज, चुरा लो इनसे और कॉपी कर लो, अपने फ्रेमवर्क में डाल लीजिए एंड अगला नंबर आपका होगा. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग. डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा तुमसे. एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा. लेवल वन क्लियर हो गया, क्या प्लान है? लेवल टू देना है, जॉब करनी है, आगे क्या चीजें सोच रहे हो? हाँ, मैं लेवल टू के साथ साथ इंटर्नशिप टाइप भी काम करने के लिए सोच रहा हूँ ताकि उससे मेरे कोई स्किल्स डेवलप हो चुके हो सके साथ साथ में. और लेवल टू कितने टाइम में दोगे? लेवल टू मैं 9 से 10 मंथ का लेके चल रहा हूँ. ठीक है, एक साल के बाद कमिटमेंट रहा केशव की तरफ से. एक साल के बाद दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे केशव आफ्टर क्लियरिंग लेवल टू. अब तक एक छोटा सा ब्रेक. Thanks a lot for today. If you have any parting thoughts, Keshav, I'll hand him over the mic. Mere end se, this is it. Nothing more to add at my end. Thanks a lot. As always, you all have been very kind to me. Agar aap logon ke koi sawal honge, mere se ya inse, chat box mein zarur likhiyega. We'll try to answer it. Thanks a lot. Please take care. As I always say, may God be by your side. Doable hai agar aap discipline ke saath lage rahoge, to aisa kuch nahi hai ki nahi ho payega. Level 1, jahan tak maine kara, jitna mere ko samajh aaya. तो आप डिसिप्लिन के साथ लगे रहोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. ठीक है, थैंक्स अ लॉट. ग्रेट ग्रेट लास्ट वर्ड्स. थैंक्स अ लॉट. प्लीज टेक केयर. बाय बाय बाय.